सो हेलो मेरे भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। अब देखो यार, जैसे कि तुमने थंबनेल और टाइटल देखा है, आज अपन लोग बात करेंगे गियर 5 को लेकर के। तो यार सबसे पहले बात करते हैं गियर 5 क्या हमें दिखना चाहिए या फिर नहीं दिखना चाहिए। तो यार हाँ, गियर 5 दिखना तो चाहिए, बिकॉज बहुत टाइम से लूफी का नया गियर आया नहीं है। और जिस तरह से हमें टाइम स्किप के बाद ड्रेसरोसा में हमें पहली बार गियर 4 देखने को मिला था, जिसमें हमें गियर 4 बाउंस मैन देखने को मिला था, उसके बाद आया था होल के आइलैंड में दो दो गियर हमें देखने को मिलेंगे थे, गियर 4 टैंक मैन और गियर 4 स्नेक मैन। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या हमें यहाँ पर लूफी का गियर 5 देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से देखने को मिलना चाहिए, मजा आएगा। प्लस उन लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, डेविल फ्रूट अवेकनिंग नहीं होने वाला, इस पर मैं 100% श्योर हूँ। लूफी का अवेकनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस आर्क में। वो इस आर्क में अगर अवेकनिंग होता है, वो एक तरह से यार बहुत ज्यादा ओवर पावर कर दिया ऐसा लगेगा। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि गियर 5 भले ही आ सकता है, बट लूफी का अवेकनिंग तो नहीं होने वाला। अब हम जरा बात करते हैं कि लूफी का अगर गियर 5 आता है तो उसमें किस तरह की पावर हो सकती है। देखो मैं यहाँ पर टाइगर मैन वगैरह वो सारी चीजों को नहीं बोलने वाला, मैं यहाँ बात करूंगा क्या पावर उसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। अब जैसा कि तुम सब जानते हो, यहाँ पर हमें एडवांस कॉन्करर हाकी इंट्रोड्यूस करवाया गया वानो आर्क में, प्लस रियू भी हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब रियू से काइडो को बस खुजली होता है, लेकिन एडवांस कॉन्करर हाकी जब तुम यूज करते हो ना, तो उससे काइडो को डैमेज पहुंचता है। और वहीं अगर हम लोग चल जाए बाकी के गियर्स की तरफ, वहां पर लूफी अपने आर्मामेंट हाकी को ज्यादा यूज करता है। मैं गियर 4 की बात कर रहा हूँ, गियर 4 बाउंस मैन, टैंक मैन एंड स्नेक मैन। यहाँ पर वो गियर 4 में आ करके वो आर्मामेंट हाकी को कुछ ज्यादा ही तरह से कोटिंग करता है, और उसी वजह से वो अपने ओपोनेंट को हिट कर पाता, खासकर लूगिया टाइप हो या फिर किसी भी टाइप को है, पर उसको डैमेज कर पाता। बट काइडो के खिलाफ हमें एक बात मालूम है, आर्मामेंट हाकी किसी भी तरह से काम नहीं करता, इसको डैमेज करने के लिए चाहिए तुम्हारे पास एडवांस कॉन्करर हाकी। अब देखो यार, तुमको एक और बात तो मालूम होगा ही, लूफी जब भी गियर 4 का यूज करता है उसके बाद वो 10 मिनट तक अपने हाकी को यूज नहीं कर पाता है। अब देखो, जैसे कि तुम सब जानते हो, यहाँ पर काइडो के खिलाफ भी फाइट में लूफी गियर 4 में था, और वो आर्मामेंट हाकी से कोटिंग तो था ही, साथ ही साथ वहां पर वो कॉन्करर हाकी भी चढ़ा के फाइट कर रहा था। लेकिन वहीं अगर हम लोग चल जाए काइडो की तरफ, तो भाई काइडो का बॉडी पहले यार बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, प्लस वो कॉन्करर हाकी कोटिंग करता है अपने हाइब्रिड फॉर्म में आ करके भी, और उससे वो मारता है। वहाँ पर तुम देखना वो आर्मामेंट हाकी कोटिंग नहीं करता, वो खाली कॉन्करर हाकी कोटिंग करता है। और यहाँ क्या हमें देखने को मिल रहा है, लूफी स्नेक मैन बाउंस मैन जो भी मैन में आ रहा है उसमें वो ऊपर से और एक बार कॉन्करर हाकी कोटिंग कर रहा है। बात तुम समझ रहे हो, क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है लूफी हमें कोई ऐसा फॉर्म दिखाए जहां पर एडवांस कॉन्करर हाकी कोटिंग हो। अब मैं यहां पर बार बार गियर 5 क्यों बोल रहा, बिकॉज यहां पर आर्थर लाइब्रेरी ऑफ ओहारा ने अपने ट्विटर पे एक चीज पोस्ट किया था, जहां पर मैं तुमको स्क्रीन में दिखा देता हूं। अब देखो, मेरे को जापानीज का कुछ ज्यादा नॉलेज है नहीं, 1% भी जापानीज आता नहीं है, पर यहाँ पर जिस हिसाब से दिखाया था, यहाँ पर गियर 5 फिलहाल तो दिखा रहा है। अब क्या यहाँ पर ओडा की तरफ से इशारा है गियर 5 आने वाला है, देख के तो ऐसा लग रहा है, पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। लेकिन चलो मान लेते गियर 5 आने वाला है, और जैसे कि मैंने बोल दिया कि हमें गियर 5 में एडवांस कॉन्करर हाकी का वाला पावर देखने को मिल सकता है, सबूत तो दे दिया मैंने, क्योंकि आर्मामेंट हाकी से तुम उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते। प्लस ऑब्जर्वेशन हाकी की अगर मैं बात करने जाऊँ, दोनों के पास एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है, दोनों ने फ्यूचर साइड खोल के रखा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है हमें लूफी अपना जब नया गियर दिखाए, अगर दिखाता है तो वो उसमें ज्यादा मात्रा में, वो जो मेन सोर्स जो होगा ना, जैसे गियर 4 में ज्यादातर मेन सोर्स होता है आर्मामेंट हाकी का, यहाँ पर मेन सोर्स हमें देखने को मिल सकता है कॉन्करर हाकी का। अगर ये चीज हमें देखने को मिलती है ना, बहुत ज्यादा ऑसम होगा। प्लस काइडो वर्सेस लूफी का जो फाइट होगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, यहाँ पर हमें देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही साथ एक और चीज़ सुन लो, अगर तुम ये सोचने वाले हो कि यहाँ पर अगर लूफी कॉन्करर हाकी कोटिंग करता है तो वहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ वगैरह वगैरह, देखो अगर लूफी एडवांस कॉन्करर हाकी कोटिंग करेगा ना, उसके बाद उसका हालत भले वो जीत जाएगा, अधमरा जैसा जरूर होना तय है। बिकॉज अगर तुम ध्यान से मांगा चैप्टर रीड करते हो ना, तुम्हें एक बात मालूम पड़ेगा, एडवांस कॉन्करर हाकी ज्यादा यूज करने से बंदा अनकॉन्शियस तो होता ही होता है। वैसे ये सारी चीजें के बारे में ना
मैं बाद में बात करूंगा डिटेल में जब मैं कॉन्करर हॉकी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए बस जो है इतना समझो, लूफी का अगर गियर 5 आता है तो उसमें हमें एडवांस कॉन्करर हॉकी रिलेटेड ज्यादा पावर देखने को मिलेगा, वो उसी से रिलेटेड होगा। प्लस यहाँ पर वो अपने डेविल फ्रूट का कुछ अलग टाइप से यूज करता हुआ भी दिख सकता है। और ये जो ट्विटर पे आर्थर का जो पोस्ट था ना, मैं इस पर एक चीज कहना चाहूंगा, मैं 100% श्योर नहीं हूं, पर उसने जिस हिसाब से निकाला है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब आर्थर के पोस्ट पे तुम्हारा क्या सुझाव है तुम लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या गियर 5 हमें देखने को मिलेगा। प्लस अगर साला कोई कमेंट बॉक्स में बोला टाइगर मैन या जो भी मैन आएगा, भाई देखो वो बस एक अजम्पशन है। खैर मेरा प्रेडिक्शन या कह लो जो भी था, ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ ही साथ आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, और हाँ गॉड वैली वाला वीडियो भी आ रहा। प्लस अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।